हेलो एवरीबॉडी, दिस इज टैरो चीनी। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आप देखें तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। कंट्रोवर्सी, द लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड, एलन मस्क बाइंग ट्विटर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स अराउंड इट, एंड यूक्रेन और रशिया का वॉर तो अब 2 महीने से ज़्यादा से चल ही रहा है। तो जनवरी में जब यहाँ पे हीटेड एक्सचेंजेस हो रहे थे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, तो हमने एक रीडिंग किया था जहाँ पे पूछा था कि विल दिस रिजल्ट इन टू अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, एंड वी डिड गेट अ वेरी अस्टाउंडिंग आंसर विथ थिंग्स गेटिंग एक्सकलेटेड। एंड आई डोंट नो, आई डिडंट रियली टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन को फाइनली अटैक कर दिया था फरवरी में, तब मुझे वो वाली रीडिंग याद आई कि कैसे यूक्रेन का एक जो हार्ट आया था, वहां पे एक रीडिंग थी जिसमें एक हार्ट ब्लीड कर रहा है। एंड मुझे ये वाला जो इंसिडेंस, ये कार्ड मुझे तब याद आया जब यूक्रेन वॉज लाइक रियली प्लीडिंग एट द वर्ल्ड स्टेज कि आके उसको हेल्प करो, एंड इट वॉज हेल्प्ड बाई नन। नो बडी रियली हेल्प्ड यूक्रेन, दे ऑल केप्ट सपोर्टिंग फ्रॉम देयर ओन सेफ हाउसेज, बट नो बडी रियली केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट इट। एंड दैट इज वी गेट द आंसर कि वो जो ब्लीडिंग हार्ट हमें रीडिंग में डिवाइन ने दिखाया था, वो ब्लीडिंग हार्ट किसका था? वो ब्लीडिंग हार्ट यूक्रेन का था, जिसको सब ने शब्दों से तो सपोर्ट किया, आर्म्स से तो सपोर्ट किया, पर किसी ने भी अपने घर के आगे आके उसको हेल्प नहीं किया। तो वो ब्लीडिंग हार्ट हमारे यूक्रेन का था, जो हमने देखा कि एट ऑफ वॉन्स का कार्ड हमें दिखाया था। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस वॉर बिटवीन दिस हीटेड एक्सचेंज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? तो जो हमें एट ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था, जो कि हमें क्लियरली बता रहा था कि दिस विल रिजल्ट एंड एक्सकलरेट इन टू समथिंग बिग वेरी सून, तो वो सारी चीजें हुई। तो हमें अब हम देखेंगे कि विथ जो बिल्ट अप हो रहा है मोर देन 2 मंथ्स इन टू द वॉर, आर वी हेडेड टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या होने वाला है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्चुअली यू कैन से दैट वॉट रियली इंस्पायर्ड मी टू डू दिस रीडिंग इज कि रिसेंटली आई सॉ अ पोस्ट, आई थिंक टूडे आई सॉ अ पोस्ट ऑन फेसबुक, जहां पे किसी ने ये डाला हुआ था कि जब द डेट when the World War One started, the date when the World War Two started, and the Ukraine-Russia का डेट, अगर ये डेट, मंथ एंड ईयर आप तीनों ऐड करते हैं इन तीनों इवेंट्स का, तो इट एड्स अप टू 68। और हमारा यूक्रेन और रशिया का जो वॉर भी है, जिस दिन वो स्टार्ट हुआ, इफ यू एड दिस इट एड्स अप टू 68। तो क्या आर वी वेरी क्लोज टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर? दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू आस्क द डिवाइन। ओके, सो विथ हैविंग सेट द स्टेज एंड द इनसाइट एंड द इंस्पिरेशन, द स्टोरी बोर्डिंग, लेट्स सी, लेट्स आस्क द एंजल्स वॉट वी नीड टू नो। सो वॉट आई थिंक इज आई एम गोना आस्क दिस क्वेश्चन। So let's ask the angels with some, drawing the boundary kind of a thing. Dear angels, please tell us what we need to know about the Ukraine-Russia war transpiring into the world war, the third world war. Okay. Communicate clearly hame aaya hai. And what does this really mean? So we have opportunity and we have abundance. Communicate clearly. Okay, so let me ask this question clearly. Is the world heading towards the third world war? Is the third world war going to be the reality? What we need to know about, okay, I'll take this one. It's up to you. So हमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है। It's almost like yes, if we don't control our egos and if nobody is really ready to budge, then yes, we are going to move towards the third world war, but we can
वी कैन स्टॉप गेटिंग इन टू दिस अननेसेसरी वॉर बाई जस्ट बींग अ लिटल मोर मेच्योर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड एंड इट्स पॉपुलेशन एंड ऑल दैट वी आर क्रिएटिंग विद दिस वर्ल्ड वॉर. तो डिवाइन ने बिल्कुल एक क्लियर आंसर देना जरूरी नहीं समझा है. डिवाइन ने बोला है कि इट्स अप टू यू गाइज. ओके, अगर वर्ल्ड लीडर्स यू नो इफ वी हैव अ लीडर्स लाइक दिस जो कि उनको लगता है कि यस हमें फाइट करना चाहिए और फाइट करना जरूरी है, देन यस इट्स अप टू यू. इट्स मोर लाइक यू नो डिवाइन डजंट वांट्स टू रियली गिव एनी इनसाइट यहाँ पे. वो इसमें नहीं पढ़ना चाहती है. और ये कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन जैसा है कि अगर आप जो करोगे वो भरोगे. ओके, इट्स मोर लाइक कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं अगर हम उनको मान लेते कि वो हम उनसे पूछते हैं तो वो ऊपर से बैठ के देख रहे हैं और उन्होंने हमें इस क्रीड़ा क्षेत्र में बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है कि तुम जो करो, तुम करो या मरो, या फिर तुम पीस इस्टेब्लिश कर लो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे के पेन को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. लेकिन अगर तुम वो नहीं समझते हो और तुम अपने एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर में हो जहाँ पे इट्स यू फील दैट यू हैव टू फाइट इट आउट, देन ओके देन फाइट इट आउट, इट्स अप टू यू. ठीक है, तो हमें डिवाइन कुछ भी बताना नहीं चाह रही हैं. लेकिन यहाँ पे देखें क्या है, सक्सेस है लेकिन नॉट रियली एनी क्लियर मैसेज. बट देन यस इट्स लाइक कि डिवाइन ने अपना हाथ झाड़ लिया है, वो हमें कुछ नहीं बताना चाह रही है. इट्स बोल दिया उसने इट्स अप टू यू. चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ यही आंसर आ रहा है हमारा. सो लेट्स सी. इट्स अप टू यू. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द निटी ग्रिटीज एंड फाइंड आउट हाउ थिंग्स विल कंस्पायर ट्रांसपायर. क्या कुछ होगा. What we need to know about Ukraine and Russia war turning into the world war for all of us. Okay, there's a lot of stress here related with the issue. So matter is very serious. With nine of sword, hum bol sakte hain ki matter is very, very, very serious. It's like we are on the verge of a total crackdown. Or it's more like, you know, ek blast hone wala hai. We are almost there. आप कह सकते हो कि with nine of sword I am getting that we are almost closer to the war. जो 10 में एक cycle complete हो जाएगा and एक ignition लग के बिल्कुल जो बोलते हैं कि तीर कमान से निकल जाएगा और बिल्कुल fire हो जाएगा. तो बिल्कुल close हैं हम to third world war. What we need to know about third world war. और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. पीपल आर ट्राइंग टू यू नो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का पॉजिटिव या फिर एक एग्रीमेंट हो जाए दोनों कंट्री के बीच में. बट इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग. एक न्यू ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है जहां पे बोथ ऑफ देम कैन कम टू कॉमन ग्राउंड और एक न्यू बिगिनिंग कर पाए. वो ऐसा नहीं हो रहा है. और यहां पे जो हमें दिखाया जा रहा है वो है स्ट्रेस इज बिल्डिंग अप एंड दिस इज लीडिंग टू व्हाट वी नीड टू नो अबाउट यूक्रेन रशिया वॉर टर्निंग इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर. Is it a yes? Is it a yes? Even though this is a positive card, हमने जो question पूछा है उसके हिसाब से it's like we are moving towards this जहां पे it's like you know चारों दिशाएं इसमें cover हो जाएंगी. Like the four directions जो हमारे world का होता है, north, south, east, west. Are we going to get into this storm? Is the whole world going to get caught in the storm? ये card तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बता रहा है कि ये जो आंधी चली है जिसके कारण काफी stress हो रहा है, इसके अंदर पूरी दिशा आ जाएगी.
क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, हर लोग इसके अंदर आ जाएंगे। Let's get the clarifier for these, and that's fine. ओके तो आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे जो फोर ऑफ वॉन्स है, इसका जो क्लैरिफायर है वो एक चैरियट आया है, विच इज अ आउट एंड आउट वॉर का कार्ड। इट्स अ वॉर कार्ड, इट्स अ इट्स अ इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर, द वर्ल्ड विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस वॉर। It's almost like, you know what, the world is going to this war. It's like prepare kar liya unhone, and they're almost like set for the war. And this is your cancer, is your this chariot is your cancer ka card. To kahin na kahin ye mujhe lagta hai June ke aas paas ye conspire kar sakta hai agar ye war ho, jo ki main is reading se yahi find kar rahi hu ki everything is building up towards the third world war. Okay, एंड ऑनेस्टली आई डोंट वॉन्ट दिस टू कम ट्रू। एक दो रीडिंग्स गलत आ जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वी डोंट वॉन्ट वॉर बिकॉज वॉर में वी लूज पीपल, एंड आई वुड नॉट वॉन्ट द वर्ल्ड टू गो फॉर अनदर थर्ड वर्ल्ड वॉर। बट जो मैं ये रीडिंग से पिक कर रही हूँ वो डेफिनेटली लग रहा है कि एवरीथिंग इज बिल्डिंग अप टू दैट वॉर, वेयर जहाँ पे चारों दिशाएँ के चारों दिशाएँ की कंट्रीज लैंड इसके अंदर आ जाएंगी, इस जो ये टोर्नेडो है, जो एक स्टॉर्म है, इसके अंदर आ जाएंगी और कोई भी बचेगा नहीं, ऐसा लगता है। इट्स लाइक यू नो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप, एंड दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड जहां पे एक मेजर सोल लेसंस लर्न करना है वर्ल्ड को, एंड वी रियली नीड टू लर्न बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग द मिस्टेक्स। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 एंड मेनी अदर स्मॉल वॉर्स, और अभी तक अगर हमने अपना लेसन सीखा नहीं है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन जैसे डिवाइन ने हमें क्या बोला, इट्स अप टू यू भाई, तुमको जो करना है, तुमको हम लोगों ने भेजा है धरती पे टू इवॉल्व, टू मूव टू अवर हायर कॉन्शियसनेस, लर्न सम सोल लेसन्स। लेकिन अगर तुम अपने फिजिकल ट्रैपिंग्स में ही ट्रैप होके रहना चाहते हो तो आई डोंट गिव अ डैम, इट्स अप टू यू। तो वही बेसिकली मुझे वाइब्स आ रहा था जब यूनिवर्स ने हमें ये वाला कार्ड दिखाया, बिकॉज शी डजंट वॉन्ट्स टू रियली पुट एनी माइंड इन टू दैट। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस बिल्ट अप है तो कोशिश कर रहे हैं बैक ट्रैक करने का। ओके, वी आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट द सिचुएशन, ट्राई टू बैक ट्रैक थिंग्स, बट यहाँ पे इट्स मोर लाइक यू नो it's more like you know things are being offered and yahan pe negotiation chal raha hai and people are like they don't you know negotiations people are trying their best to negotiate lekin we are not able to find a common ground जहाँ पे दोनों कंट्रीज ही को लगे कि यस वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, तो वो सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। मगर यहाँ पे जो चल रहा है नेगोसिएशन, इट्स लाइक दे आर बिल्डिंग अप फॉर द वॉर। और यहाँ पे देखिए काफी जो एक यू नो दिस वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस बोथ द कंट्रीज।
ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या होने वाला है। विल द वर्ल्ड फेस द वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर? आर वी गोइंग टू सी द थर्ड वर्ल्ड वॉर अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आर आईज? वाओ, सरेंडर डिनायल, सरेंडर डिनायल एंड वॉट, व्हाट डू वी गेट? सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो हमें जो आ रहा है वो है सरेंडर डिनायल। तो जो हम लोग सारे अपने घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया वॉर पे हैं, उनके हजारों लोग मर चुके हैं, तो यूनिवर्स जो एक, अगर आप देखो तो यूनिवर्स बहुत बैडास की तरह बात कर रही है। अगर जो डिवाइन है, शी इज टॉकिंग, इट्स मोर लाइक यू नो शी इज वेरी एंग्री। जो हम मनुष्य लोग जो हैं, हम लोगों ने ये मनुष्य लोक का क्या बना के रखा हुआ है। तो शी इज लाइक ओके फाइन, ओके इट्स अप टू यू, डू वॉट एवर यू फील इज राइट, बिकॉज नो नन ऑफ यू आर फ्री फ्रॉम योर कर्मा। ठीक है, तो जो भी है कर्मा तो है ही आपके पीछे, टू टेक केयर ऑफ ऑल योर डीज, जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो। तो सरेंडर डिनायल कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, एंड दैट द थिंग्स आर नॉट बीइंग बिल्ट अप टू लीडिंग टू वॉर। सरेंडर द डिनायल एंड एक्सेप्ट वॉट इट इज, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर स्ट्रेस्ड, नेगोसिएशंस आर नॉट हैपनिंग, इवन दो पीपल आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग टू डी एस्केलेट द मैटर, बट वॉट हैपन्स वेन यू डोंट एक्सेप्ट थिंग्स, इट ओनली मूव्स टू लाइक वर्ल्ड इज गेटिंग प्रिपेयर फॉर द वॉर, एंड दे आर डिस्ट्रॉ डिनाइंग द डिफिकल्टीज, देन यू कैन थिंक क्लियरली एंड ऑल दैट। तो ये गाइडेंस है, मुझे तो लग रहा है कि थिंग्स आर वेरी वेरी सीरियस, एंड बट देखते हैं कि क्या होने वाला है। वी डेफिनेटली हैव टू सरेंडर द डिनाइल के नहीं होना है, बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द मेच्योरिटी ऑफ दीज वर्ल्ड लीडर्स जो भी हैं। और जो भी है, सबका अपना, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन से, उनका अपना हिस्ट्री होता है, उनका अपना से होता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो यूनिवर्स ने बोला है इट्स अप टू यू, यू कैन स्टॉप द वॉर, यू कैन गो फॉर इट। और हमें तो लग रहा है कि हम लोग वॉर पे जा ही रहे हैं ना, विद दिस चैरियट वी आर ऑल सेट फॉर द वॉर। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट्स हैपनिंग गाइस। आई थिंक यूनिवर्स इज वार्निंग अस, स्टिल गिविंग अस चांस टू स्टॉप दिस, बट इट्स डजेंट लुक कि वी आर गोइंग टू स्टॉप, वी आर प्रिपेयर फॉर इट, वी आर प्रिपेयर फॉर द वॉर। ऑल राइट, चलिए देखते हैं। आई वुडंट वॉन्ट दिस टू हैपन दो, बट एंड लेट्स ऑल प्रे दैट इट डजेंट रियली हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।